राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित पीएससी मुख्यालय में 23वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन तैराकी वॉटर पोलो में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को पीएससी मध्य जोन की आईजी अपर्णा कुमार ने किया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन 22 जून को होगा। वहीं इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीम प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें 9 पीएससी वाहिनियां और 1 एसडीआरएफ की टीम शामिल है। इसके अलावा करीब 224 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आईजी पीएससी मध्य जोन अपर्णा कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में वॉटर पोलो, स्विमिंग की प्रतियोगिताएं, डाइविंग और क्रॉस कंट्री के कंपटीशन कराए जाएंगे। वहीं इस प्रतियोगिता के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस स्पर्धा की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत यह प्रतियोगिता होती है। दरअसल पीएससी में फिटनेस को लेकर जोर दिया जाता है। पीएससी के ऑपरेशनल कार्य की वजह से फिटनेस और स्पोर्ट्स की भावना से यह प्रतियोगिता कराई जाती है। इसके अलावा यूपी पुलिस में स्पोर्ट्स की बढ़ोतरी हो, यही इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य है। ये मध्य जोन की अंतरवाहिनी तैराकी, वाटर पोलो और क्रॉस कंट्री की कंपटीशन है, जो मध्य जोन में 9 वाहिनियां हैं, सेक्टर अयोध्या और लखनऊ सेक्टर के उनका, और एसडीआरएफ, टोटल 10 टीम इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें वाटर पोलो होगा, स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स होंगी, डाइविंग होगा और क्रॉस कंट्री के कंपटीशन होगा। ये आज इनॉग्रेशन था और 22 तक ये कंपटीशन चलेगा। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो स्पर्धाएं होंगे वो स्पर्धाएं होंगे। मैंने अभी जो कंपटीशन होते हैं पीएससी में खासकर ज़्यादा होते हैं, इसे आगे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या जो उनकी जनरल लाइफ में उसमें फ़र्क आता है या पुलिसिंग में फ़र्क आता है? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है फिट इंडिया का, तो पीएससी में भी, क्योंकि पीएससी में फिटनेस के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि इनके जो ऑपरेशनल और टैक्टिकल जो कार्यवाही होती हैं वो पीएससी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र, लॉ एंड ऑर्डर, राइट कंट्रोल, इन सब में ये जाते हैं। तो फिटनेस, एक तो फिटनेस और स्पोर्ट्स का जो भावना है वो इनके मन में रहे, और यूपी पुलिस में स्पोर्ट्स का बढ़ोतरी हो, वही इसका उद्देश्य है। ये जो प्रतिभाएं जो निकल करके आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल जो है इस तरह के कंपटीशन यहाँ पे रहते हैं और तमाम लोग जो है इसमें जो है शामिल भी रहते हैं, तो क्या लगता है कि इससे आने वाले वक्त में किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं? अगर विभाग की बात करें तो क्या पीएससी को लेकर के भी कोई स्कीम है, ऐसी कोई पॉलिसी है कि और जो है उसको बेहतर किया जा सके? नहीं, स्कीम पीएससी के लिए अलग नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए शासन से काफ़ी उन्होंने सुविधाएं दिए हुए हैं, जिसमें अभी कुशल खिलाड़ी की भर्ती भी पूर्ण हो गई है और आगे भी निरंतर कुशल खिलाड़ी भर्ती होने वाला है। तो ये शासन का मंशा है कि पुलिस में खासकर स्पोर्ट्स की बढ़ोतरी और बढ़ावा किया जाए। ओके, थैंक यू।